हेडफोन लगाया कि नहीं अभी तक? ओ कैसे हो मेरे सारे भाई लोग, आज आप लोगों को एक प्राणी दिखाता हूँ जो ना तो आदमी है ना औरत है, साला हाफ टिकट का है। और देखो इस अखंड चूतियों को पूरे अखंड भारत की जरूरत है। आओ देखते हैं क्या है इस भैंड चोत को। मुझे अब अखंड भारत की जरूरत है। कश्मीर की मैं कली हूँ। हाँ तो भाई लोग, मैं इसी खूबसूरत कली की बात करने आया हूँ आज। जो लोग समझ गए और जो लोग इसे जानते वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनको हम बताएंगे। इसका नाम दीपक कलाल है। अगर और इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा। बज्जे रिश्ते मुझे आए, बहुत बज्जे आए। हाँ इसके पास बहुत बड़े रिश्ते आए। एक रिश्ता तो एक बकरी का आया, उसे दहेज नहीं चाहिए था। उसने बोला इसको एक बार पत्ते वाला पैंट पहना के हमारे पास भेज दो, बहन चोद को पूरे चोली में नंगा नाच करवाऊंगा। मादर चोद, यही वो मेरा दूल्हा है जो मुझे सबसे ज्यादा भाया है। दूल्हा मेरी पप्पी करो। दूल्हे की तो भैंचोद गांड फटी पड़ी है। उसे पता है कि पूरे उसे पता है कि इसके जैसा अखंड आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तो मैं इस भाई साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, अपना लोड़ा घुमा के इसके मुंह पे मारो, छप जाए भैंचोद। थक गया हूं मैं ये प्यार से, चाहता हूं कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। हाँ तेरे जैसों के साथ तो तहस नहस ही होना चाहिए भैंचो, जाओ इसको कोई तहस नहस कर दो। यार भाई भोसड़ी के सुन यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तहस नहस कर दे। ए सच में रुक जा यार, कर जा तहस नहस। कौन है ऐसा जो शरेआम मेरे ऊपर अत्याचार करेगा? कौन है ऐसा जो इस ब्यूटी बोन को दबा दबा कर अंदर घुसेड़ देगा? अबे भैंचोद पहले तो डिसाइड कर ले, तुझे तहस नहस करवाना है या अपना रेप करवाना है? अबे तेरे अंदर इतना किस चीज का हबस भरा है, तुझे जरूरत किस चीज की है? मुझे किसी जाट की जरूरत है। क्या जो मैंने सुना, क्या आप लोगों ने भी वही सुना? मुझे किसी जाट की जरूरत है। जाट? अबे तुझे जाट का झांट ना मिले। तक का होना चाहिए, भिवानी का होना चाहिए, वो कोई हरियाणवी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ फैंस, कौन है वो मद्रासी जो रगड़ रगड़ कर मेरे इस तन बदन को डोसा बना दे? मैं जानवर पकड़ने वाले अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भाई साहब को जल्दी से यहाँ से गायब कर दो, नहीं तो ये खुद भी हवस का शिकार हो जाएंगे। 10-20 लौंडों को और हवस का शिकार बना देंगे, इसकी बहन का देश तबाह करेगा ये तो। जो मुझे दो बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले मेरे मुंह में ठूस देगा। चाहिए? बता टट्टे चाहिए ना, शर्मा मत। बहन जो इससे ज्यादा बकलंड आदमी आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। बहन जो रसगुल्ला समझ के टट्टे खाता है। वो पंजाबी जो मेरे मुंह में खट्टी लस्सी की पिचकारी मारेगा। खट्टी लस्सी की पिचकारी चाहिए, समझे आप लोग? कोई जानकार हो तो इसको दिलवाओ यार लस्सी पस्सी। बहन चोद पागल हो गया ये। इसको वायरल मत करो। अबे वायरल इधर क्या, कोई तेरी वीडियो बना रहा है? और आजकल के लोंडे तेरा ये सुअर जैसा शरीर देख कर ही मुठ मारेंगे। अबे आजकल के लोंडे सन्नी लियोनी से नीचे बात नहीं करते हैं। इसको वायरल मत करो। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। अजी लौड़ा, लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो एक काम कर, नौकरी ले ले उसमें, ताकि तेरे से कोई पूछे भाई कहाँ काम करता है तो तू कहेगा लौड़े पे काम करता हूँ, तेरे पे सूट भी करता है बहन चो। बहुत पंजाबी लड़के आए मेरी जिंदगी में, पीछे से बल्ले बल्ले करके चले गए। अच्छा ऐसे बल्ले बल्ले करते, फिर भंगड़ा कैसे पाते हैं? भंगड़ा पाके चले गए। देख रहे हो दोस्तों भैंड चुत कैसे भंगड़ा पाता है? मैंने अपनी जिंदगी में अकलंड देखा, बकलंड देखा, लेकिन ये भैंड चुत झांट लंड है, समझ से बाहर है, परे है भैंड चुत।
बहुत से लोग आए और मेरे पीछे भंगड़ा पाके चले गए, लेकिन दीपक को दर्द नहीं हुआ। मेरी जान, दीपक ऐसा मर्द है। अबे तू रहने दे इन लोगों को, मैं दिखाता हूँ दीपक कैसा मर्द है। देखो यमराज से डर भोसड़ी के। ये देखो ये गाय होती हैं और यही हमें दूध देती हैं। ये गाय को चूचियां होती हैं। चूचियां? अबे भाई पहली बात तो वो गाय नहीं, गाय का बच्चा है, और ये क्या बोल रहा है चूचियां? अबे खट्टी लस्सी की पिचकारी आंख में भी घुसवा लिया क्या तूने? इतने से इस भोसड़ी वाले का मन नहीं भरा, आप देखिए इसने क्या किया पूरा। राज कोहली, तुम तो रातें रंगीन करके चले गए लेकिन दीपक कलाम प्रेग्नेंट हो गया है। और अब ये नौवां महीना मुझे चल रहा है। आ, आ, बहुत लाते मार रहा है ये बच्चा। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन। हाँ विराट कोहली के पास तो और कोई काम ही नहीं है, विराट कोहली तो बस रातें रंगीन करने पे लगा रहता है, क्रिकेट तो जोनी सिंस जाके खेल लेता है। बहन जो तेरे पास तो कोई सुअर भी ना है, विराट कोहली कैसे आ गया? विराट कोहली, तुम दीपक कलाल को छोड़कर चले गए लेकिन हमारा ये जो बच्चा है। अबे ये पैदा किया है तूने, ये साला इंसान के नाम पे शैतान है, बकरियों के पास जाके कहता है क्रीम मुझे अंडा दो, नदियों के पास जाके कहता है लव यू लवड़ा, अगर कोई वर्जिन है तो। दीपक कलाल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सबके लिए दीपक कलाल जिंदाबाद, भोसड़ी वाला। तो भाई लोग आज के लिए इतनी बकचोदी काफी है, अगर आप लोग चाहते हो इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और वो जो रेड वाला बटन है उस पर अपना सर दे मारो। अगली वीडियो राखी सावन और दीपक कलाल पे बनाई जाएगी। धन्यवाद।